गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है 20 अप्रैल और आज सुबह से ही कुछ ज़्यादा ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेन है कि अभी बारिश भी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई है। मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट और एकदम ठंडा हो रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो आपको कल वाला मेरा वीडियो मिल गया होगा जो हस्बैंड वाइफ चैलेंज वाला होगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं सुबह से बात नहीं कर पाई आप लोग से। सो आज मैं लंच में बनाई दाल बाटी और मैं यूपी की हूँ तो दाल बाटी के साथ वहाँ पे चोखा ज़रूर बनता है तो मैंने चोखा भी बनाया और मैं सिंस राजस्थान में रहती हूँ तो मैंने दाल बाटी के साथ चूरमा भी बनाया तो पूरा कॉम्बिनेशन हर स्टेट का बना हुआ है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी बहुत ही प्लीजेंट मौसम हुआ है क्योंकि सिंस सुबह बारिश हो रही थी यहाँ पर, थोड़ी सी ही बारिश हुई लेकिन मौसम बहुत प्लीजेंट हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने दाल बाटी कैसे बनाया। मैंने रेसिपी नहीं शेयर की है लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया हुआ है।
गाना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज सी जाने मन दिल है तुम्हारा। सब लोग घर पे क्वारंटाइंड है तो बच्चे करें क्या, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आजकल अपने छत पे आ जाते हैं एंड थोड़ा सा अयांश भी खेल लेता, उसका भी थोड़ा सा डेवलपमेंट जरूरी, इस समय डेवलपिंग वाला एज है तो उसको खेलने को तो चाहिए। वो नहीं समझ सकता कि हम लोग क्यों क्वारंटाइंड है और क्यों नहीं बाहर जा सकते, क्यों नहीं पार्क में जा सकते, स्कूल क्यों बंद हो गया है। सो उसको भी हम लोग ले आते हैं कि वो थोड़ा सा खेल लेगा और थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग के लिए भी, बिकॉज फिर बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता पूरे दिन भर एक जगह एक घर में, मतलब एक ही रूम में एक जगह बैठे रहने में, तो ये प्रॉब्लम आती ही। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी अपने रूम पे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ जो हम लोग घर में बैठ के ये बना सकते हैं, फेस पैक या फेस मास्क कह लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत डीप क्लीन कर देता है हम लोग की स्किन, सो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ग्लोई लुक देता है, सो बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक है, मैं आपको अभी ज़रूर दिखाती हूँ।